ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल द्वारा असाइनमेंट माह नवंबर के लिए जारी हो चुका है कक्षा 10वीं और 12वीं का, है ना। कक्षा 10वीं के सारे सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अपलोड किया जा रहा है मेरे चैनल पर, और कक्षा 12वीं का भी, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 है, आयकर और उत्पादक शुल्क में क्या अंतर है? तो आयकर और उत्पादक शुल्क में निम्नलिखित अंतर है, है ना, आयकर और उत्पाद शुल्क। इसको आप जो है स्क्रीन शॉट करके नोट कर सकते हैं। आयकर प्रत्यक्ष होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। आयकर जिस व्यक्ति को आय देना होता है, ठीक है, और उत्पाद शुल्क उत्पादन करने वाले को देना होता है। आयकर व्यक्ति की आय के अनुसार निर्धारित होता है, जबकि आयकर शुल्क उत्पाद वसूल करती है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस चैनल के नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जल्द मेरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट हिंदी अंग्रेजी विज्ञान एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कौन से प्रश्नों को ज़्यादा पढ़े जिससे आप जो है अच्छे नंबर पा सके, इसके लिए इसमें वीडियो सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, लास्ट तक आपका सहयोग किया जाएगा, साथ दिया जाएगा, निःशुल्क फ्री में PDF उपलब्ध कराया जाएगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट वाइज समझाया गया है, आप लोग जो है जैसा पॉइंट लिखा है वैसा ही नोट कर सकते हैं। यहाँ सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा खनन ना करे, ठीक है। खनन के पट्टे को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नीलाम किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न तीसरा में आते हैं, हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। तो हिटलर की विदेश नीति में उठाए गए कुछ कदम ऐसे थे जो दुनिया को विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। पहला था रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण कर दिया गया। दूसरा है म्यूनिक समझौता किया गया, आप नोट करते चले जाएंगे। तीसरा है चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार, और चौथा है रूस की संधि। प्रश्न चौथा है, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य है जो गरीबी दूर करने के लिए सीधे जुड़े हुए हैं? तो ये छोटा सा है दोस्तों आंसर, इसको आप लोग लॉन्ग कर लेना बुक से, क्योंकि बच्चों ने लिखा है वो जो है अपने अनुसार अपने तरीके से लिखे हैं, ताकि जो है देखिए इसमें हमको 20 में 20 नंबर नहीं मिलता है, चाहे हम कितना भी सही लिख ले, है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर काट कर दिया जाता है। तो प्रश्न पांचवा है, देखिए, औद्योगिक प्रदेश का स्थिर क्यों होते हैं? एक बार एक जगह से उद्योग विकसित करने के बाद वहाँ उद्योग क्यों हट जाते हैं? तो देखिए नोट कर लीजिए इसको भी स्क्रीन शॉट करके। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक, इसका उत्तर जो है नीचे में और है, उसको भी कर लेते हैं। मजदूरी पर काम करने लाए थे के लिए तैयार थे, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है। इस उद्योग का क्षेत्रीय वितरण स्थायी न होकर परिवर्तनशील है, किसी जगह परिस्थिति अनुकूल और अन्य जगहों से अधिक लाभदायक होने पर उद्योग उठकर चल देते हैं। इसके अलावा उद्योग लगने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं जिनको आपसी मेल से उद्योग लगते हैं। इस प्रकार समाजिक विज्ञान सोशल साइंस के हिंदी मीडियम में कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये तीनों का इंग्लिश मीडियम में, बाकी हिंदी संस्कृत और इंग्लिश तो सेम रहता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, है ना। और कक्षा 12वीं के भी हिंदी अंग्रेजी साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी अपलोड हो रहे हैं चैनल पर, धीरे से सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, है ना। चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलता रहे। मेरे चैनल में और भी नोटिस कैसे बनाए, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाए, है ना, सरल तरीके से समझाया गया है। यदि आपने देखा होगा तो लिखिएगा, नोटिस लिखने का तरीका वो लगभग 60,000 के, मतलब 60K चला गया है दोस्तों, है ना, तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा बनाया है उसमें मैंने।